समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का हृदय से प्रणाम। तो चलते हैं आज के ध्यान के भ्रमण पर, जो अपने ही अंतस की अनेकों गलियों में होने वाला है। अपने संपूर्ण चित्त को समेट कर समस्त जागृतियों के साथ, समस्त संवेदनाओं के साथ ले आते हैं अपने अपने चित्त को अपने मध्य हृदय में आसीन श्री मां को प्रणाम करेंगे। उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो पूर्ण श्रद्धा भक्ति हृदय से प्रार्थना करेंगे। मां आज के इस ध्यान के सेशन को अपने देखरेख में पूरा कराएं। जो भी आप चाहते हैं मां, वो इस सेशन के माध्यम से हम सभी तक पहुंचा दीजिए। आप तो जानते हैं मां हम सबको क्या, कब और कैसे चाहिए। हमारे अंतस में विराज कर आप हमारी समस्त इच्छाओं को आप जानती हैं। हे श्रीमान, हम सब में सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि अपने हृदयों के भीतर से स्थित आपके अस्तित्व के माध्यम से हम आपके मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकें। हे परमेश्वरी, आपको कोटि कोटि नमन। एक डेढ़ मिनट के लिए श्रीमा के श्री चरणों में ही कुछ समय बिताएंगे अपने ही मध्य हृदय के भीतर। और प्रस्फुटित होती हुई ऊर्जा को आत्मसात करते जाएंगे। हृदय और सहस्त्रार का कनेक्शन लगाकर रखेंगे। और दोनों ही स्थानों पर मां के प्रेम को महसूस करते रहेंगे ऊर्जा के रूप में। इस क्षण इस घड़ी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारा हृदय ही सहस्त्रार बन गया है।
और सहस्त्रार से हृदय का आभास हो रहा है। दोनों केंद्रों का पूर्ण सामंजस्य है। दोनों केंद्रों में एक आनंददायी एकाकारिता घटित हो रही है। और इस घड़ी अब अपने चित्त को हम सेंट्रल आज्ञा पे रखते हैं, मध्य आज्ञा चक्र पे। यह हमारा तीसरा नेत्र है, तृतीय नेत्र। इसी स्थान से शिमा ने बताया है कल की शक्ति का प्रस्फुटन होगा। जो साधक गण पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाएंगे, उनके इसी हिस्से से कल की शक्ति का उदय होगा। और वही जागृत हुई कल की शक्ति बुराइयों को जलाकर खाक कर देगी। महसूस करें इसी स्थान पर सेंट्रल हार्ट और मध्य हृदय की ऊर्जा को एकत्रित करके इस तीसरे पॉइंट पे अपने चित्त को चिपका देंगे अपने अटेंशन को इधर ही, और महसूस करेंगे मानो सहस्त्रार की शक्ति और मध्य हृदय से फूटने वाली शक्ति इसी केंद्र पर आकर स्थिर हो गई है। और इस अवस्था में इस मध्य आज्ञा के केंद्र पर ऊर्जा की अनुभूति करेंगे आधा एक मिनट के लिए। इस आज्ञा चक्र पे एक मीठा मीठा खिंचाव का अनुभव भी कर सकते हैं। कोई लोगों को हलचल महसूस हो सकती है, कोई लोगों के दर्द भी हो सकता है, और किसी को सनसनाहट महसूस हो सकती है। बिना चिंता के इसको महसूस करते चले। यह प्रक्रिया तीसरे नेत्र के खुलने में सहायक सिद्ध होगी। तीसरा नेत्र खुलने के पश्चात मानव दूरदर्शी हो जाता है, उसको तीनों कालों का आभास होने लगता है, क्योंकि यह त्रिकुटी है, तीनों नाड़ियों की मिलन स्थली, भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही यहां पर आकर ठहरे हैं। और इस केंद्र पर तीनों ही महादेवियों की शक्ति उपलब्ध होती है। तीनों काल की ज्ञाता तीनों देवियां, तभी तो हमें निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। पावर ऑफ डिस्क्रीशन जनरेट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इसी स्थान से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।
निध्यानस्थ अवस्था में हम इसी केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित कर दें और भीतर में बहने वाली समस्त ऊर्जा को इसी स्थान पर चित्त के माध्यम से ले आए, धीरे धीरे यह चक्र विकसित होने लगता है और हमारी जीवन के हर पहलुओं में निर्णय लेने में मदद करता है। थोड़ी देर के लिए इसी केंद्र पर अपने चित्त को 1.5 मिनट के लिए लगाए रखेंगे। और आप अपने चित्त को अपने सहस्त्रार पर टिका देंगे। मां आदि शक्ति के श्री चरणों के स्पर्श को महसूस करेंगे कुछ देर के लिए, मानो हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। इस ध्यान में गहनता को प्राप्त करने के लिए मां आदि शक्ति आध्यात्मिक उत्थान की देवी है। जब हम सब मानव अपनी प्राथमिकता को मां के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं, वो प्राथमिकता है हमारे ध्यान में उन्नत होने के लिए। यदि हम अपने जीवन के समस्त कार्यों में आत्मिक उन्नति को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, मां आदि शक्ति हमारे हाथों को थाम लेती हैं और अपने हाथों से पकड़कर हमें ध्यान की गहनतम अवस्थाओं का आभास कराती हैं और उन स्थानों की यात्रा कराती हैं और भीतर की दुनिया के बारे में मध्य हृदय के माध्यम से ज्ञान देकर हमें निर्लिप्तता प्रदान करती है। कोशिश करें यदि हम कि हमारा चित्त हर पल सहस्त्रार में बना रहे, तो इससे उत्तम कोई कार्य ना होगा हम सब के लिए। अपने चित्त को हमसा चक्र और सहस्त्रार के साथ एक करके रखेंगे
और दोनों केंद्रों पर ऊर्जा की अनुभूति करेंगे 20-40 सेकंड के लिए। कितना आनंददायी खिंचाव हमसा चक्र के भीतर में हो रहा है, जो खिंचाव का रास्ता है उससे सहस्त्रार की तरफ जाता है। महसूस करें यही खिंचाव की अनुभूति सहस्त्रार पर हमारे चित्त को खींचती है, हमारे ध्यान लगाने को सरल कर देती है। महसूस करें इस आनंददायी ऊर्जा को, चित्त को हम ऊपर की ओर उठाते चलते हैं। धीरे धीरे पहले आकाश की ओर ले जाते समय ऊर्जा की अनुभूति भी करते चलेंगे, यानी चित्त का एक सिरा आकाश की अनुभूति को कर रहा होगा और दूसरा सिरा आकाश से प्राप्त हुई ऊर्जा की प्रतिक्रिया सहस्त्रार पर महसूस करा रहा होगा। हमें सदा कोशिश करनी चाहिए, यदि हमारा चित्त अपने शरीर से परे, सहस्त्रार से परे कहीं जा रहा है तो चित्त के एक सिरे को उस स्थान पर और दूसरे सिरे को सहस्त्रार पर सदा बनाए रखें और दूसरे सिरे के साथ में अपने हृदय हृदय के कनेक्शन को बनाए रखें। यह 3-point कनेक्शन हर हाल में, जीवन की हर स्थिति में, घटना में, दुर्घटना में, उदासी में, दुख में, खुशहाली में, हर हाल में बनाए रखें। धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में ज्ञान को भर देगा। उठाते जाएं आकाश की ओर, धीरे 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 साथ में अपने भीतर में होने वाली ऊर्जा के प्रभाव पे भी नजर रखें। अब अंतरिक्ष में अपने चित्त को रखें। महसूस करते होंगे सभी इस वक्त पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा का भ्रमण हो रहा है। पूरा शरीर झनकृत है। इस दैवी शक्तियों के विचरण को अनुभव कर रहा है। हमारे भीतर में दैवी शक्तियों का आवागमन एक सुंदर से कंपन को उत्पन्न कर रहा है। इतना सुखदाई है ये
भीतर में होने वाला कंपन, और अब अपने चित्त को अंतरिक्ष में ही रखेंगे और उस शक्ति पे अपने चित्त को ले जाएंगे जिस शक्ति ने समस्त तारों, ग्रहों, उपग्रहों को ऐसे ही जोड़ के रखा है मानो हवा में तैर रहे हो। उस शक्ति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसके संयोजन और उस संतुलन पे अपने चित्त को रखेंगे। वह शक्ति जो समस्त ग्रह नक्षत्रों को घुमाती है, चलाती है, मां आदि शक्ति की शक्ति को, उस शक्ति को अपने चित्त के माध्यम से भीतर में ग्रहण करेंगे। डेढ़ दो मिनट तक उस शक्ति को अपने भीतर में सहस्त्रार के जरिए हृदय तक पहुंचाते जाएंगे। और अब अपने चित्त को और ऊपर उठाते हैं, आकाश गंगाओं में अपने चित्त को टिका देंगे। और आकाश गंगाओं को घुमाने वाली उस आदि मां की अद्भुत शक्ति को अपने चित्त से ग्रहण करेंगे। करोड़ों तारों को अपने आंचल में लपेट कर रखने वाली आकाश गंगाएं जिस शक्ति से चलती है उस शक्ति पे अपने चित्त को रखेंगे और ग्रहण करेंगे अपने भीतर में। अपने चित्त को यहां से भी उठाएंगे और अपने प्रिय परमेश्वर सदाशिव के श्री चरणों में धीरे धीरे चित्त को उठाकर ले जाते हैं। महा ऊर्जा और प्रकाश के महाभंडार में अपने अस्तित्व को, जो स्वरूप रहित हो गया है, प्रकाशित पुंज के रूप में है, इसी स्थान पर परम पिता के
भीतर अपने अस्तित्व को महसूस करेंगे जो प्रकाशित पुंज में है। उन्हीं का हिस्सा बन उस स्थान पर बहने वाली लाखों करोड़ों विभिन्न ऊर्जा की धाराओं में अपने को छोड़ देंगे। और इस दिव्य आनंद को अपने अस्तित्व में ग्रहण करते जाएंगे। पूर्ण शून्य अवस्था अविचार चेतना शरीर रहित अवस्था अविचार चेतना का उत्पादन करती है। अविचार चेतना को बनाए रखती है। शरीर का आभास निर्विचारिता के लिए प्रयासरत रहता है। यदि देहाभास है तो निर्विचारिता का प्रयास है। देहाभास का समाप्त होना अप्रितम अविचार चेतना का आनंद है। निर्विचारिता स्वरूप में स्थित होने का परिणाम है। विचारिता स्वरूप के साथ जुड़ाव का परिणाम है। तो ये तीन प्रकार की अवस्थाओं में हमारी चेतना यात्रा करती है। विचारिता निर्विचारिता अविचारिता। और जब अविचारिता में हमारी चेतना पूर्ण रूप से खुल जाती है तो हमारी चेतना स्वयं निरानंद होती है। स्वयं आनंद का पर्याय होती है। थोड़ी देर इस खुली हुई चेतना की अवस्था में बिताते हैं।
कैसा अद्भुत आनंद है। इस अविचार से युक्त चेतना में मानो हम सभी अपने ही प्रकाशित अस्तित्वों में स्वयं के प्रकाश, स्वयं के आनंद का आनंद उठा रहे हो। और अब इस सुंदरतम अवस्था में इस स्थिति को बनाए रखते हुए अपने चित्त को, चित्त के छोर को, अपने मूलाधार चक्र में ले आएंगे। इस अविचार चेतना के आनंद को अपने मूलाधार चक्र पे प्रवाहित करेंगे। यह कैसी अद्भुत स्थिति है। एक ओर देह भास से मुक्त है और दूसरी ओर कर्तव्य से परिपूर्ण इस उच्च आवृत्ति की चेतना को अपने मूलाधार में प्रवाहित करेंगे। और उसकी प्रतिक्रियाओं को भी आत्मसात करेंगे। और अब अपने चित्त को स्वाधिष्ठान पर रखेंगे। चित्त का एक सिरा पार ब्रह्म स्थान पर अविचार चेतना का आनंद ले रहा है और दूसरा सिरा मध्य स्वाधिष्ठान चक्र को प्लावित कर रहा है। उच्चतम का निम्नतम से योग, महसूस करेंगे एनर्जी को स्वाधिष्ठान में।
और अब इस अविचार चेतना को अपने नाभि में उड़ेल देंगे। और होने वाली हलचलों का आनंद लेंगे। अब अपने चित्त को उठाते हैं, मध्य हृदय पे रखते हैं और मध्य हृदय चक्र को उस उच्चतम ऊर्जा से प्रभावित करेंगे 20-40 सेकंड के लिए। अब बाएं हृदय पे ले जाएंगे अब दाहिने हृदय पे ले जाएंगे करेंगे समस्त चक्रों पे, तीनों हृदय चक्रों पर इस ऊर्जा के प्रभाव को। और अब अपने चित्त को हम विशुद्धि चक्र में ले जाएंगे। तीनों विशुद्धि चक्रों में इस पार ब्रह्म की ऊर्जा को महसूस करेंगे। और अब अपने चित्त को हम हमसा चक्र पर रखेंगे। और अब अपने चित्त को हम लेफ्ट आज्ञा पे ले जाएंगे। कनेक्शन रहेगा पार ब्रह्म क्षेत्र से ही। लेफ्ट आज्ञा में इस ऊर्जा को पहुंचाएंगे और महसूस करेंगे। और अब दाहिने आज्ञा पे ले जाएंगे। और अब बैक आज्ञा पे ले जाते हैं। एक सिरा बैक आज्ञा पे और दूसरा सिरा सदा शिव के श्री चरणों में।
और अब पुनः शस्त्रार पे आ जाते हैं और कुछ 30-40 सेकंड के लिए शस्त्रार को भी प्लावित करेंगे। परम पिता के श्री चरणों के प्रसाद से और अब पुनः चलते हैं अपने वास्तविक घर की ओर, यानी परम पिता परमेश्वर श्री सदाशिव। ये बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे सूरज से सूरज की किरण धरती को प्रकाशित करने के लिए अवतरित होती है और सारे सृष्टि में प्रकाश को फैलाकर वापस अपने घर यानी सूर्य की गोद में पुनः समा जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम सभी निर्मल चेतनाएं जो प्रकाश पुंज स्वरूप है सदा पारब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में रहा करती हैं, लेकिन इस संसार में मिली हुई अपनी मानव देह को प्रकाशित करने के लिए आती है और इस देह से सारे जुड़े सारे संसार को लाभान्वित करती है। हम सभी प्रकाशित चेतनाएं बार बार धरती पर परमात्मा का अभिन्न अंग बनकर अवतरित होती रहती हैं और उनके प्रेम को सारे संसार में फैलाती रहती है। मां से जुड़कर मां निर्मला के रूप में मां आदि शक्ति को पाकर उनके ज्ञान को अंतस में महसूस करके हम सभी अपने वास्तविक स्वरूप को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और अपने संसार में जन्म लेने के मकसद को भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। कितना सुखद अनुभव है ये। परमात्मा के प्रकाशित अंश के आभास को अपने भीतर में महसूस करने का कितना सुखद अनुभव है ये। धरती पर एक मिशन के रूप में जाना, वहां ज्ञान की सुगंधी बिखेरना, परमात्मा के बनाए उत्कृष्टतम रचना यानी मानवीय देह के भीतर रहना, मानवीय देह का अनुभव महसूस करना, मानवीय मनोभावों से परिचित होना, कितना आनंददायी है यह अनुभव हम सब प्रकाशित चेतनाओं का। मानो हम अब तो ऐसा लगता है मानो हम संसार में रहते ही कहां हैं। जब मन करता है इस देह में रह लेते हैं और जब मन करता है परम पिता के आगोश में सिमट जाते हैं।
हे महान निर्मला, आपने हमारे भीतर में यह ज्ञान देकर हमको धन्य कर दिया है मां। हम वास्तव में आपके ही संतान कहलाना चाहते हैं। इसी सुंदर सी अवस्था में परम पिता के साथ में, अपनी चेतनाओं के साथ में कुछ समय और इसी स्थान पर बिताएंगे। रिकॉर्डिंग का सेशन समाप्त हो रहा है, लेकिन इस अवस्था को आगे बढ़ाते रहें। जितना ज्यादा इस अवस्था में रहेंगे, उतना सुंदर डिटैचमेंट हमारे भीतर घटित होगा। जय श्री माता जी।